subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. डर नहीं लगता है, बल्कि अच्छा लगता है। ये देख, अब डरेगी तू। ऐसे क्या देख रही है? मुझे तुम्हें किसी देने का मन कर रहा है। तो दो, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। तुम जब भी किसी देती हो, मेरी आंखें बंद करवा देती हो। मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम इतनी अच्छी किसी कैसे देती हो? अगर अच्छी किसी चाहिए तो आंखें तो बंद करनी ही पड़ेंगी। जाग गया? ओए मालको, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे जिंदगी में पहली बार जागा हूं टॉप और टॉप। और तेरे उस नाक के हारन जैसे अलार्म के चक्कर में मुझे रोज जल्दी उठना पड़ जाता है। ओए तू घड़ी अपने कान के पास लेके क्यों नहीं सोता? ओए अबे शुक्र कर उस घड़ी का जो सही वक्त पे उठा देती है, वरना तेरी तरह पूरी दुनिया सोए सोए अपने सपने पूरे करना चाहती है। हाँ जी मालको। मनिंदर, सब कुछ ठीक है कि नहीं? मालको इसका कार्बोरेटर नवा डालना पड़ेगा, खराब हो गया। अच्छा तो तुम एक काम करो, उस नई वाली गाड़ी का कार्बोरेटर इसमें डाल दो और इस वाली गाड़ी का कार्बोरेटर उसमें डाल दो, समझ गए? जरा फैल के समझाओगे क्या मतलब है आपका? मैं फैल के समझाता हूँ। देखो, वो वाली गाड़ी का कार्बोरेटर इसमें डालोगे तो ये वाली गाड़ी तो चलेगी, और वो वाली गाड़ी आई है व्हील अलाइनमेंट के लिए, तो दो दिन के बाद ये वापस आ जाएंगे कार्बोरेटर लगाने, समझ गए कि नहीं? हाँ समझ गया। अब तुम समझ चुके हो, आरफ को मत समझाना, समझे? वाह वासवानी साहब, गाड़ी में भी मिलावट टाप टाप। देखो हम लोग यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए हम लोग गाड़ियाँ बनाते हैं। अब तुम जाके गाड़ी बनाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जाओ, गो गो। अरे जाओ यार, टाइम लॉस्ट मनी। अरे अली भाई आइए आइए, वेलकम 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 मेरे गराज में। तुम ये क्या अली भाई कहते रहते हो यार? गाड़ी कैसे दुरुस्त करते हो? गाड़ी फिर से खराब हो जाती है रोज रोज।
फिर से खराब हो गई। अच्छा एक काम करो, इस बार मैं आपकी गाड़ी असली एक्सपर्ट के हाथ में डाल देता हूँ, उसके हाथ लगाते ही आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके आरव। क्या हुआ, गाड़ी ठीक हो गई? गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता, गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप कंपनी पे दावा कर दीजिए, आपको नई गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन मैं कैसे मान लूं आप सच बोल रहे हैं, कहीं दावा करके मैं ही फंस गया तो? आज तक गाड़ी के मामले में मेरा दावा कभी गलत नहीं निकला। ओके आप फिक्र मत कीजिए। मुझे अपने कल पे भरोसा है। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया की सब सड़कों पर मेरे डिजाइन की कार्स घूमती नजर आएंगी। ओ टॉप गॉड ब्लेस यू मालको, गॉड ब्लेस यू। पापा जी नु सासरी का। ये क्या कर रहे? एक लाइन लिखने के लिए तूने इतने सारे पेजेस खराब कर दिए। पेज खराब कर दिए? ओए कार वालों को चिट्ठी लिख रहा हूं, कोई ग्रीस नहीं मना जो पेज खराब हो जाएगा ना। साथ में एक लाइन में कैसे चिट्ठी लिखी जाती है? ओए मैं लिख के दिखाता हूं। दिखा दिखा पेपर दे। एल एल पेन। हां लिख। मैं यहां कुशल से हूं, उम्मीद है आप भी कुशल से होंगे। आपका बेटा आरव। ना ये चिट्ठी है के टेलीग्राम होए। तू नहीं समझेगा, लिफाफे में डालकर मेरा एड्रेस लिख देना और पोस्ट कर देना। बड़ा फर्क है तेरी और मेरी सोच में। बिल्कुल, तू यहाँ अमेरिका इसलिए आया है ताकि तू पैसे कमाकर इंडिया जाकर सेटल हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि जो देश मुझे सब कुछ दे रहा है, नाम पैसा तरक्की, उसे छोड़कर वापस क्यों जाओ? और ना जाओ माल को, छोड़ के ना जाओ, कौन कह रहा जाओ। लेकिन एक बात बताओ, पीछे आपके परिवार का क्या होगा? हाँ जी अच्छा ही होगा, घर में भैया भाभी हैं देखभाल करने के लिए, और जिस दिन मैं सेटल हो गया सब मेरे पास आकर भी रह सकते। Mr. Bradley, my designs are truly innovative and distinctively a class apart. I seek your support in gaining access to the research and development department of your principals. Mr. Kapoor, you'll have to find alternative modes to access the authorities. I suggest you send in the proposal directly. Thank you. You're welcome. अरे आरव, तेरे हाथों में तो जादू है यार। ऐसा इंजन सुधारा तूने कि वो तो नई कार की एवरेज देने लगी। क्या किया तूने? कुछ नहीं, बस इंजन की सेटिंग बदली है। अरे यार कितना टैलेंटेड बंदा है तू। तुझे तो अपनी खुद की एक यहाँ वर्कशॉप खोलनी चाहिए। तू बोल, मैं पैसे लगाता हूँ। अरे मिस्टर पटेल, आप मेरे चलते धंधे को बंद करने के चक्कर में हैं क्या? पटेल साहब, माय एम इज नॉट ओपनिंग अ वर्कशॉप, बेसिकली मैं कार डिजाइनर हूँ, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यंग मैन। यू डोंट नो मिस्टर पटेल आरव, ही ओन्स 41% ऑफ द लार्जेस्ट होटल एंड रेस्टोरेंट चेन इन द होल ऑफ अमेरिका, और अभी अभी एक नए डिस्को खोलने वाले हैं, एंड ही इज गोइंग टू कोइंसाइड द ओपनिंग विद हिज नेव्यूज मैरिज। मैं चाहता हूं कि आप सभी आएं। अरे हाँ आरव, अपने डिजाइन्स की डेमो सीडी मुझे दे दो। आई नो लॉट ऑफ पीपल इन द कार इंडस्ट्री। ठीक है सर। एक चीज और, एक बार तुम्हें जिप्सी टेम्पल जाकर लक जरूर आजमाना चाहिए। आप इसे रख लीजिए, मैं दूसरी चिट निकालता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, हम दोनों ने विश करके इसे उठाया है। क्या पता ऊपर वाला हम दोनों को कुछ समझाना चाहता है। ओके आज तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे नसीब से होगी। आई कांट बिलीव दिस, हम दोनों एक दूसरे का नसीब है। मैं नसीब और किस्मत को बिल्कुल नहीं मानता। एक साथ टेम्पल पहुँचना, साथ विश करना, एक कागज उठाना, अगर ये सब कुछ साथ साथ हो सकता है तो हम दोनों एक दूसरे का नसीब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सब एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। अपना अपना मानना है,
अगर हम फिर मिले तो? तब की तब देखेंगे. Hi, I'm Anna. I'm Arif. Take care, bye. Anna, so handsome. बिल्कुल एक रोमांटिक नॉवेल की हीरो की तरह. Of your body burn, cause it's hot like wasabi. Oh no, till you knock me, shaking that ass, hell we crash kamikaze. Copy. Hath utha ke zara gol ghoom ja, phoolo wala gajra jode mein saja. Hath utha ke zara gol ghoom ja, phoolo wala gajra jode mein saja. Meri sang mundi hai nach ke dikha. शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा. आहा, शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा. हाथ उठा के जरा गोल घूम जा, गोलो वाला गजरा जुड़े में सजा. मेरे संग मुंडी ये नच के दिखा. शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा. आहा, शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा. Me. Undercover cops can't stop me. Gonna lock you down with my thala and chabi. You could be Punjabi, Gujarati, Farsi, or a banging Bengali. दिखाते होंगे यार जूड़ा सजाते होंगे यार गोरी जूड़ा सजाते होंगे यार. हम वो नहीं जो हुस्न के नखरे उठाते हैं, हम वो इश्क हैं जो हुस्न को कदमों में झुकाते हैं. अपनी अदाओं से हमको लुभा, पास बुलाए तो दौड़ चलिया. अब ये जवानी तो हम पे लुका, और शादी जो किया है तुझसे तो गोरी नखरे न दिखा जा. शादी जो किया है तुझसे तो गोरी नखरे न दिखा. हाथ उठा के जरा गोल घूम जा, फूलों वाला गजरा जोड़े में सजा. मेरे संग मुंडी ये नच के दिखा. शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा. आहा, शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा. Fish is king, the queen of the party. Fiend and to have a scene with his
chick lottie dottie. Type of go to sex and forget about the shoddy. Ara, you look dashing in this black suit. Thanks. अरे, मैं अपनी कॉम्प्लीमेंट के लिए वेट कर रही हूँ. ओह, तो तुम रिजर्व्ड हो. ये हमारी दूसरी मुलाकात है. Do you think it's destiny? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है. इस देश में इंडियंस हैं कितने? अक्सर किसी शादी ब्याह या किसी फेस्टिव ओकेशन पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं. अब तुम इसे डेस्टिनी का नाम दो तो ये तुम्हारी भूल है. इस शहर में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन हम दोनों का दोबारा मिलना, I think it's got to do something with destiny. अब जो तुम मानो, तुम्हारी मर्जी. मेरी नहीं, उसकी मर्जी. एक दिन तुम जरूर मानोगे. हाँ भी वो. ओए होए मालगो, दोस्ती भी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है, बस इत्तेफाक से दोबारा मुलाकात हुई है. हाय हाय, ओए ऐसे इत्तेफाकों के लिए भी किस्मत चाहिए होती है. टॉप और टॉप. बाय. बाय. ओए क्या कर रहा है? ओ फिटे मुंह मेरा. अब मैंने क्या कर दिया? अबे इतनी देर से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू कि उसकी तरह किस्मत लेकर बीच में आ रहा है? ओए तू बंदा है कि रिवर्स गियर होए? ओए ये पीछा छुड़ाने की चीज नहीं है, ओए ये तो पीछा करने की चीज है. टॉप और टॉप. एना, उसे तेरे पीछे पीछे भागना चाहिए और ये है कि तुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहा. नाम्स, यू नो सम गाइस लाइक टू गो स्लो. या Even I like it. बिल्कुल ऐसे ही. Slow. लेकिन इतना slow नहीं ना कि बुढ़ापे में जाकर एहसास हो. Darling, I love you. Nams, वो आज भले ही मेरी बात ना माने, लेकिन एक दिन उसे जरूर यकीन होगा कि मैं ही उसकी किस्मत हूँ. वो टेंपल की चिट, हमारा दोबारा मिलना, ऐसी बातें रोजाना नहीं हुआ करती. बस अब इंतजार है कि हम कब मिलेंगे. ऐसी कोई तो चीज होगी जो हमें करीब लाएगी. Excuse me? Yes? Can I test drive this car? Unfortunately, sir, it's only for display. Can I check the interiors then? With pleasure. All yours. Thank you. तुम यहाँ? तुम जहाँ मैं वहाँ. तुम्हारे लिए तो ये भी इत्तेफाक होगा, पर कितना हसीन है. मुझे कार्स का बहुत शौक है. Well, cars are my life, my passion, my destiny. Destiny? Cars? हमारे बीच में कुछ तो कॉमन है. But anyway, it was nice talking to you. फिर मिलेंगे. इत्तेफाक हुआ तो. Believe me. मेरी किस्मत हमें इत्तेफाक से जरूर मिलाएगी. ये कार तो आज ही लॉन्च हुई है और तुमने खरीद भी ली? खरीदी नहीं, टेस्ट ड्राइव के लिए ली है. कमाल है, मेरे मांगने पे दी नहीं और तुम्हें दे दी. I'm well connected, you see. Do you want a lift? Well, इतना सोच क्या रहे हो? अब आ भी जाओ. ओ गॉड, तुम्हें तो कमाल हो ना. लोग सड़कों पे भटकते हैं ये सोच के कि कभी कोई खूबसूरत लड़की उन्हें लिफ्ट दे देगी, और तुम हो कि नखरे दिखा रहे हो. ओके. मेरा एक काम करोगे? क्या? वो पीछे मेरा बैग पड़ा है, उसे उठाओ. ये लो. खोलो. Excuse me, it's very unsafe to open a lady's purse. अरे, you won't be embarrassed. Open it. खोल दिया. दो. क्या दूँ? अरे उसके अंदर स्कार्फ है, दो. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी दो. ये लो. तुम्हारे बाल बंद के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा. Oh God, एक तो लड़की परेशान है. Instead of helping, चिल्ला रहे हो. इतना नहीं कि लेके बाल बांध दो. बांधो, बाल बांधो. Are you serious?
अरे बांधो ना प्लीज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देखो दो बांधो। कोना नहीं, क्या कर रहे हो, बांधो ना। हाँ हाँ, हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया ना। ओफो, हिलना बंद करो। ओके, ठीक से बांधो आप। थैंक यू। योर वेलकम। मजा। अच्छा, कमाल की बॉडी है। सालों मेहनत करने के बाद ऐसी बॉडी बनी है। वो तो देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा शेप मैंने कभी नहीं देखा। रियली? हाँ, और ऊपर से ये रंग, इट्स अ किलर मैन। जी करता है अभी ले। ये कार मुझे इसके एरोडायनामिक्स बहुत पसंद है। ओके आरव, तुम करते क्या हो? I'm a car designer. बस एक मौका मिल जाए, इससे भी अच्छी कार डिजाइन करो। Anyway, you can drop me here. Right. Thanks. अब हम फिर कब मिलेंगे? जब तुम्हारी किस्मत मिलेगी। Take care, bye. लो वासवानी साहब, आरव आ गया। आ गया, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। BMW से तुम्हारे लिए कॉल आया है, अर्जेंटली। हाँ। इंटरव्यू के लिए। ऑल द बेस्ट मेरे यार। कांग्रेचुलेशन। शायद मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। क्यों, आखिर हुआ क्या यार? मेरा लैपटॉप ऐना की कार में रह गया। तो फिर ऐना को फोन करके मंगवा लो। आई डोंट हैव अ नंबर। वो नंबर नहीं है तो एड्रेस तो है ना, चल चल के ले आते हैं। एड्रेस भी नहीं है, वो देने वाली थी लेकिन मैं। लेकिन क्या लिया नहीं तूने? ओए मेरे वाहेगुरु, इसको अक्कल कितने बजे दोगे? अच्छा एक काम करते हैं, तुमने पटेल को वो डेमो सीडी दिया था ना? हाँ। तो मैं पटेल को फोन करके वो डेमो सीडी वापस मंगवाता हूँ। सिंपल। कहीं इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से निकल जाए। पटेल का फोन भी बंद है। डोंट वरी आरव, तुम ये इंटरव्यू जरूर देने जाओगे। मिस्टर आरव कपूर, we at BMW believe that new talent has to be promoted. Keeping with that tradition, we've invited you here today. I'm very grateful, sir. But the thing is, I have a problem. I lost my laptop yesterday, so I won't be able to show you the designs and the demos I've made. But we already have your demo CD. We have gone through your designs, and after looking into them, the opinion of my panel is that they are very impressive. So we have decided to give you the go-ahead. Welcome to BMW. Thank you so much. Welcome to BMW. Thank you, sir. The administrative officer will introduce you to your workstation as well as your personal assistant. Hi, Aro. Tum yahan bhi? Ittefaq se. Kismat se main hi tumhari assistant hu. Oh, now I see. Tumne mera laptop unhe dikhaya. Ittefaq se tum apna laptop meri gaadi mein bhul gaye. और तुम्हारा एड्रेस जानने के लिए जब मैंने लैपटॉप को ऑन किया तब पता चला कि इस जीनियस के लैपटॉप में कितनी कारें बंद हैं, जो दुनिया की सड़कों पे दौड़ने के लिए कितनी बेकरार हैं। आगे जो कुछ भी हुआ वो तुम जानते हो। ऐना, समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने एक ही दिन में मेरा सपना पूरा कर दिया। You deserve it. अब तो तुम्हें किस्मत पे यकीन आया ना? किस्मत में ना सही, लेकिन तुम पर जरूर आने लगा है। He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल। किसी पे आ जाए तो मुश्किल है, मेरे यार हो ना जाए।
मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। जाए कहीं कर न बैठे कभी दिल लगिए मोहब्बत के गम से न वाकिफ अभी ये। किसी पे आ जाए तो मुश्किल है, मुश्किल है। You're right. पर ये पता कैसे चलेगा? सिंपल, पूछ लेते उससे। Stupid. अगर पूछूंगी तो वो बता देगा क्या? इतना आसान नहीं है। हाँ। तो क्या करें? Got it. क्या हुआ? एना तुमने पता किया ना? तो बताओ ना। एना प्लीज बताओ ना। ओके। यहाँ कंपनी का एक प्रोसीजर है, हर स्टाफ मेंबर का साइको एनालिसिस होता है। क्या होता है? साइको एनालिसिस। ये कौन सी बला है? कंपनी जानना चाहती है योर व्हाट टाइप,
यानी कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या क्या पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे सबको करना पड़ता है, देखो। ओके, शूट। पूछो। हाँ, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे खाने का बहुत शौक है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। स्टूपिड, कुकरी बुक्स की होती है। मुझे चाइनीज, लेबनीज, मैक्सिकन, इटालियन, थाई। लेकिन अपना जो इंडियन मसालेदार खाना है ना, उसका तो जवाब ही नहीं। वो चिकन मखनी, वो पनीर मखनी और वो काली दाल। कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। ये उल्टा रास्ता नहीं है। लड़कों को सारे उल्टे ही रास्ते पसंद होते हैं। पर्सनल बात बता, तुम हंसोगी तो नहीं ना? पक्का? प्रॉमिस? हाँ। ये शो ना? ओ या। मुझे कार्टून्स बहुत पसंद है। कार्टून्स इस उम्र में? एना। सॉरी। एक बड़ा पॉपकॉर्न का बॉक्स, बड़े पॉपकॉर्न्स। उसके साथ मेरी फेवरेट कार्टून्स, टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, बैटमैन, स्पाइडरमैन, टिनटिन, रिची रिच, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एस्ट्रिक्स। सो क्यूट। व्हाट इज योर सेक्सुअलिटी? व्हाट? मेरा मतलब है तुम यू आर यू बाय हेट्रो मेट्रो टेट्रो तुम? वेल आई एम हैप्पी एंड गे। व्हाट? ये सारी अच्छी क्वालिटीज वाले लड़के ऐसे ही क्यों होते हैं? मैं मजाक कर रहा था। थैंक गॉड। अगर तुम डेट पे जा रहे हो तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कौन सा गिफ्ट लेके जाओगे? What? ये कैसा सवाल है? और कंपनी को इससे क्या लेना देना? It's my personal life. इसीलिए तो पूछ रही हूँ। नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? You're what type? Type? जो कुछ भी यहाँ लिखा है वही पूछ रही हूँ। यकीन नहीं आता तो देख लो। दिखाओ। ठीक है भाई, पूछो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कौन सा गिफ्ट दोगे? एक फूलों का गुलदस्ता या कोई एक्सपेंसिव प्लैटिनम नेकलेस जिसमें डायमंड्स लगे हो, या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद हो? मैं इसमें से कुछ भी नहीं दूंगा। क्या? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक कैक्टस का पौधा दूंगा। कैक्टस? फूल मुरझा सकते हैं, कीमती गिफ्ट्स चोरी हो सकती है, लेकिन कैक्टस नहीं। कैक्टस को हम अपने घर के चारों तरफ सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। और कैक्टस मेरी गर्लफ्रेंड को इस बात की याद दिलाएगा कि अगर किसी ने उसे छेड़ने की कोशिश की तो मैं उसकी तो क्या बात है, अनइमेजिनेबली रोमांटिक। ही इज जस्ट माय टाइप। आरव सिर्फ मेरे लिए बना है। कॉफी पियोगे? कॉफी? You know something? मैं यही सोच रहा था और तुमने कह दिया। चलो, तुम्हारे दिल की बात तो समझ गई, मैं लेकर आती हूँ। Okay. Young man, आज फ्राइडे नाइट है। जब सारा स्टाफ अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीकेंड मना रहा है तो तुम क्यों काम कर रहे हो? सर, ये मेरे लिए काम नहीं, मेरी जिंदगी है। अगर आप बुरा ना माने, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? प्लीज। आप इतनी रात गए तक काम क्यों कर रहे हैं? बेटे, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं। ये जो इतना बड़ा एम्पायर तुम देख रहे हो, मैंने कभी इसका ख्वाब देखा था। सर, आप ही की तरह मैं भी इस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं। ओह, वेरी एम्बिशियस बॉय। क्या नाम है तुम्हारा? आरव कपूर सर। नाइस मीटिंग यू। लगता है हमारा ये रिश्ता काफी अरसे तक चलेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
Hey. Congratulations. Thank you. You know, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कामयाबी की जमीन पर पहला कदम रखा है. तुम्ही ने सबसे पहले मेरे टैलेंट को पहचाना. आरव, कुछ लोग जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखती है, और तुम उन्हीं में से हो. आई एम श्योर. कितना विश्वास है तुम्हें मुझ पर? हाँ है, बट यू ओ मी अ ट्रीट. आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी. व्हाट डू यू वांट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स गो एंड पार्टी. ओके. आरव विरवानी है. यस सर. इंजीनियर्स की रिपोर्ट मैंने देख ली है. वेल डन माय बॉय. थैंक यू सर. 11 अक्टूबर को हमने तुम्हारी गाड़ी की लॉन्चिंग तय की है. चीयर्स. थैंक यू सर. सब ठीक है ना? इतनी सारी खुशियां, वो भी एक साथ, मैं तो पागल हो जाऊंगा. लेकिन हुआ क्या है? मिस्टर विरवानी का फोन था. मेरी कार लॉन्च हो रही है ना. माय कार इज लॉन्च. आई एम सो हैप्पी. कम ऑन, लेट्स डांस. कम ऑन, कम ऑन. देख रहे हो? देख रहा हूं कि मैं अपने काम में इतना खो गया था कि आज मुझे एहसास हुआ है तुम कितनी खूबसूरत हो. शुक्र है, इस बात का एहसास तो हुआ. एक और बात का भी एहसास हो रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है. आई लव यू. Proudly announces the launch of its new model, the Z4, designed and engineered by a team of quality professionals. Function shuru ho gaya aur Anna abhi tak pahunchi nahi. Oi kudi hai wo ball bearing. Ladies and gentlemen, please welcome the chairman, Mr. Vavani, and the MD, his ravishing granddaughter, Miss Anna Vavani. Mr. Vavani wants to see you in his chamber. Okay. May I come in, sir? Arav, ये इस दुनिया का सबसे महंगा शहर है, और ये शहर की सबसे महंगी जमीन है जहां पर ये बिल्डिंग खड़ी है, जो हमारा ऑफिस है. ये कंपनी मेहनत और दिमाग से चलती है, लेकिन जिंदगी प्यार और जज्बों से चलती है. एक कार एक्सीडेंट में मेरे बेटे और मेरी बहू की मौत हो गई. पल भर में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये तो उस भगवान का लाख लाख शुक्र था कि मेरी ग्रैंड डॉटर एना बच गई. एना मेरा सब कुछ है. मैंने अपनी जिंदगी में उसकी हर मांग को पूरा किया है, और आज उसने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना है. एना तुमसे बहुत प्यार करती है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम भी एना से उतना ही प्यार करते हो. सर, आई लव. लेकिन माइंड वन थिंग, एना की आंख में जब मैं आंसू देखता हूं ना, तो आई लूज माई कंट्रोल. एना को दुख पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता. सर, वो हमेशा मेरे साथ खुश रहेगी. That's my boy.
gentlemen, let me have the honor of introducing to you the most brilliant designer of this amazing car, Mr. Arif Kapoor. A big hand! I'm proud of you, my son. Very proud. Thank you, sir. My dear friends, अब तक मैं आप लोगों के साथ अपना प्रोडक्ट शेयर कर रहा था, लेकिन नाउ आई फील लाइक शेयरिंग माय पर्सनल फीलिंग्स विद यू गाइस। आज इस खुशी के मौके पर मैं अपनी ग्रैंड डॉटर आना की एंगेजमेंट मिस्टर आरव कपूर के साथ अनाउंस करता हूं। बिग हैंड। कसम है न यूं मुस्कुराओ, न पकड़ो कलाई उत्तमा दुहाई, न ऐसे मुझे तुम सताओ, कोई देख लेगा तो वो क्या कहेगा, न छेड़ो हटो दूर जाओ। सोचा जितनी बार तुमको, सोचा जितने बार तुमको, प्यार आया और ज्यादा, और ज्यादा प्यार आया। खुशबू ये चेहरे का जादू, ये दिल को चुराती अदाएं। चाहा जितनी बार
ज्यादा प्यार आया और ज्यादा प्यार आया हे प्यार आया। घर आ गया क्या? अंदर नहीं जाओगी? लोग कहते हैं शादी के बाद आदमी बदल जाते हैं, तुम तो नहीं बदलोगे ना? कभी नहीं। हमेशा मुझे सीने से लगाए रखोगे? हमेशा, हमेशा के लिए। तो तुम्हारे डिजाइन्स कैसे बनाओगे? बताऊं? इधर आओ, कम यहाँ। अरे क्या कर रहे हो? हिलो मत, दिस इज माय लैपटॉप, ओके? अब मैं इसे ऑन करने वाला हूँ। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? अरे हिलो कि तुम्हारा लैपटॉप गिर जाएगा। अरे गुदगुदी हो रही है मुझे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ओके? अब मैं अपने डिजाइन बनाने वाला हूँ। रेडी? मत करो ना, छोड़ो मुझे। अरे हिलो कि तुम्हारे डिजाइन खराब हो जाएंगे। छोड़ो मुझे, धोखेबाज कहेंगे। डिजाइन बनाते बनाते तुम तो बिना ब्रेक की गाड़ी लेके मुझ पे चढ़ गए। प्लीज सताओ नहीं मुझे, प्लीज छोड़ दो। You know something? I love the way you say baby. मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करके उसकी रिंगटोन बनाना चाहता हूँ। Say something. Hi baby, Anna here. Hi baby, Anna here. Okay. अब तुम्हारी आवाज हमेशा मेरे साथ रहेगी। क्या बात है, आम खाए जा रहे हैं? चुप लो मालको। ओ तेरे घर से ही तो आई है आमों की पेटी। ओए टॉप, ओ टॉप स्वाद है यार, मजा आ गया। ओ हाँ तेरी चिट्ठी भी आई थी। डर नहीं लग रहा अब तो? और मजा आ रहा है, जब तू साथ रहता है ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, बल्कि अच्छा लगता है। ये देख, अब डरेगी तू। ऐसे क्या देख रही है? मुझे तुम्हें किसी देने का मन कर रहा है। तो दो, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। तुम जब भी किसी देती हो मेरी आंखें बंद करवा देती हो। मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम इतनी अच्छी किसी कैसे देती हो? अगर अच्छी किसी चाहिए तो आंखें तो बंद करनी ही पड़ेंगी। याद आया, काजल इस पत्थर पर किस करना। या तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। अरे ये तो तुम्हारी किस का कमाल है। ये लो। पता है हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करते हैं? नहीं। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का झूठा खाते हैं। कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, और जब प्यार बढ़ता है ना तो फिर शादी हो जाती है। अच्छा, इसलिए दादी हमारी शादी की बात कर रही थी। लेकिन मैं तो बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, तुम छुट्टियों में तो आओगे ना? नहीं, छुट्टियों में मैं अगले साल की पढ़ाई करूँगा। इसका मतलब तो तुम मुझे भूल भी जाओगे। अरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हें भूलने थोड़ी। हम लोग बेकार में मेहनत कर रहे हैं, ये पेड़ सूख जाएंगे। बरसात में लगाई हुई कोई चीज नहीं सूखती। अगर तुम मुझे भूल भी जाओगे ना तो ये पेड़ तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। हेलो एना। बेबी तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? एना मुझे अभी के अभी इंडिया जाना पड़ रहा है। क्यों? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। इज ही ओके? पता नहीं। देखो तुम रेडी हो जाओ,
मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। एना मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पर हूँ, मेरी फ्लाइट आधे घंटे में है। ओके, तुम पहुँच के मुझे फोन करना। ओके बेबी, आई मिस यू। आई मिस यू टू, टेक केयर। जल्दी वापस आना। आई विल।
साथ रहता है ना तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, बल्कि अच्छा लगता है। ये देख आप डरेगी तू। आरव एक बात बताओ, तुम्हें काजल कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है दादी माँ। और काजल? हाँ दादी। तुम्हें? मुझे तो आरव ही अच्छा लगता है। दादी माँ, आरव की मम्मी डैडी से आरव को मांग लो ना, फिर आरव हमारे साथ ही रहेगा। और अगर मैंने तुझे आरव के घर भेज दिया तो? ठीक है, चलेगा। अरे नहीं, अगर मैं चली गई तो आपका क्या होगा? ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। अच्छा एक बात बताओ, तुमको मेरी काजल कैसी लगती है? मुझे तो क्या, हमारे पूरे परिवार को बहुत पसंद है। इधर आओ बेटी। जी आंटी। भगवान का शुक्र है, मेरी काजल पूरे घर को पसंद है। लेकिन माँ जी, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? भाई, रिश्ता जोड़ने से पहले घर वालों की रजामंदी भी तो पूछनी पड़ती है। अरे माँ जी, ये दोनों तो अभी बच्चे हैं, इनकी उम्र ही क्या है? नहीं बेटी, इनकी उम्र होते होते मेरी उम्र ढल जाएगी, और मेरे अलावा काजल का इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी काजल हमारे घर की बहुत जरूर है। याद आया, काजल इस पत्थर पर किस करना। या तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। अरे ये तो तुम्हारे किस का कमाल है। ये लो। पता है हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करते हैं? नहीं। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का झूठा खाते हैं। कहते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, और जब प्यार बढ़ता है ना तो फिर शादी हो जाती है। अच्छा, इसलिए दादी हमारी शादी की बात कर रही थी। लेकिन मैं तो बोर्डिंग स्कूल जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, तुम छुट्टियों में तो आओगे ना? नहीं, छुट्टियों में मैं अगले साल की पढ़ाई करूँगा। इसका मतलब तो तुम मुझे भूल भी जाओगे। अरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हें भूलने थोड़ी। हम लोग बेकार में मेहनत कर रहे हैं, ये पेड़ सूख जाएंगे। बरसात में लगाई हुई कोई चीज नहीं सूखती। अगर तुम मुझे भूल भी जाओगे ना तो ये पेड़ तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। जीते रहो बेटी। बाय बाय दादी। जा बेटा जा, खूब मन लगा कर पढ़ना। बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया तो अपनी दादी को भूल तो नहीं जाएगा? नहीं दादी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बाय काजल। ये लड्डू। अरे ये हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा, कुछ दिनों की तो बात है ना। कुछ दिनों की नहीं दादी, सालों की बात है। ये वक्त तो देखते देखते निकल जाएगा। Hey, congratulations, Arav. Thanks, man. तुमने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया यार। तुम्हें तो यहाँ कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी रख लेगी। लेकिन मैं अमेरिका जाकर टॉप लाइन कार्स डिजाइन करना चाहता हूँ। मेरा वीजा और टिकट दोनों आ चुके हैं। 48 घंटे में मेरी फ्लाइट है। You mean तुम यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाओगे? नहीं, पहले मैं अपने घर जाऊंगा। 10 साल में कितना कुछ बदल चुका होगा, जिन्हें सिर्फ खतों में मिलता था अब हकीकत में मिलूंगा। देखो आरव, मुझे तुम्हारे जाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें विदेश जाने से पहले काजल से शादी करनी पड़ेगी। शादी? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? पापा, मुझे अमेरिका जाके एमटेक करना है, सेटल होना है, उसमें 6 महीने 6 साल भी लग सकते हैं। हाँ पापा, आरव ठीक कह रहा है। अगर ये 60 साल में सेटल होगा तो इसकी शादी क्या बुढ़ापे में करेंगे? पापा, शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं होती, घर परिवार का बोझ भी होता है। मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ और एक दूसरा बोझ घर पर डाल दूं? घर की बहू बेटियां परिवार पे बोझ नहीं होती। माँ, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं अभी दिमागी तौर से काजल से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी करने के लिए दिमागी तौर से तैयार होना पड़ता है। आप लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते? पापा, पापा प्लीज। पापा, शादी एक ऐसा बंधन होता है जिसमें दो लोग जिंदगी साथ बिताने का फैसला करते हैं। हाँ जी पापा जी, 10 साल से काजल आरव का इंतजार कर रही है, बेहतर यही होगा कि दोनों मिलकर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करें। तुम कितने बदल गए हो आरव। उम्र के साथ हर चीज बदल जाती है काजल, आदमी बदल जाता है, उसके ख्यालात बदल जाते हैं। अब इस सूरज को ही देखो, इसकी भी एक उम्र होती है, सुबह निकलता है और चारों तरफ रोशनी फैला देता है,
लेकिन शाम होते ही डूब जाता है। ऐसा हम समझते हैं। सूरज कभी डूबता नहीं, वो सिर्फ हमसे छुप जाता है, और हम समझते हैं कि वो डूब गया। काजल, मैंने सोचा था मेरे घर वाले ना सही, लेकिन तुम मुझे समझ जाओगी, क्योंकि तुम मुझे बचपन से जानती हो। इसलिए तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ आरव, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। मैंने तो बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुम्हें ही जाना है। मैं तो तुम्हें आज भी अपना वही पुराना आरव समझती हूँ। काजल, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। बचपन में हमने साथ कुछ अच्छे लम्हे गुजारे, पर अब ना ही उनकी याद मेरे दिल में है और ना ही उन रिश्तों के लिए कोई जज्बात। तुम्हारे दिल में नहीं, लेकिन मेरे दिल में तो है। प्यार और जख्म जितना पुराना होता है उतना ही गहरा। तुम समझती क्यों नहीं, मैं किसी रिश्ते में बनना नहीं चाहता। 10 साल बहुत कम वक्त होता है आरव, देखते ही देखते कैसे वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन दादी माँ के पास उतना वक्त नहीं है, तुम उन्हें समझा लो। मुझे तो यादों के सहारे रहने की आदत पड़ गई है। दादी, ये क्या कर रहे हो? बेटा, मैं सांसें खींच खींच कर जी रही हूँ, ताकि टूटने से पहले मैं काजल को विदा कर सकूं। मेरी बच्ची को अपना लो आरव, काजल से ब्याह कर लो, ताकि इसके कन्यादान के बाद मैं इसके माँ बाप से कह सकूं कि मैं तुम्हारी बेटी को विदा करके आई हूँ। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ, और जिस दिन तुम उन कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, उसी दिन मेरा घूंघट उठा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी आरव। क्या इत्तेफाक है ना आरव, जिस रात तुम यहाँ से गए थे तब भी यही बरसात थी, और आज तुम लौट कर आए हो तो फिर यही बरसात है। आज मुझे इस बरसात में कोई दिलचस्पी नहीं काजल, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो, ये बात कहकर तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। आज तो मेरी जान भी मांग लो ना, तो वो भी खुशी खुशी दे दूंगी मैं। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए काजल। तो क्या चाहिए आरव, क्या चाहिए? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आरव ऐसा कर सकता है। मुझे लगा वो यहाँ आया है तो
तुम्हें साथ ले जाने के लिए या फिर यहाँ रहने के लिए? मैंने भी तो यही सोचा था ना भाभी कि मेरा आरफ मेरे पास आ गया। मुझे क्या मालूम था कि वो आए जरूर है मगर सिर्फ ये रिश्ता तोड़ने। नहीं काजल, उसकी बेहूदगी से कौन इस घर को उजड़ने देगा? हाँ बाबूजी, मम्मी, तुम्हारे भैया, कोई उसका साथ नहीं देगा। रुको, मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। भाभी, जोर जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। मुझे मेरा पति तो मिल जाएगा मगर उनका प्यार नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करे काजल? मेरे बचपन की हर पुरानी याद में सिर्फ आरफ बसे हैं। अगर बरसों के फासले ने उन्हें मेरा प्यार भुला दिया है तो मुझे उन्हें सिर्फ ये प्यार ही तो याद दिलाना है ना। मैं उनकी जिंदगी में अपनी मोहब्बत फिर से भर दूंगी, उन्हें पुरानी यादें फिर से याद दिला दूंगी, अपनी जिंदगी, अपना प्यार फिर से जीत लूंगी। भाभी, मैं तुम्हारे साथ हूं। वादा करो कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। सिग्नल नहीं पकड़ रहा। गुड मॉर्निंग आरा। गुड मॉर्निंग भाभी, क्या बना रही हो? तुम्हारे पसंद की चीज। काजल ने मुझे बताया तुम्हें बहुत पसंद है। मुझे पसंद है? हाँ। क्या पसंद है? कमाल है, अपनी ही पसंद की चीज इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अमेरिका में रह के कुछ और पसंद आ गई क्या? नहीं, नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, काजल से पूछ लो, शायद वो बता दे। बताओ। नहीं, हाँ? याद आ गया, मुझे चाय चाहिए, मेरे कमरे में लेकर आओ। मैं तो भाभी का हाथ बटा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, अपने कमरे में जाइए, मैं काका के हाथ से भिजवा देती हूँ, ठीक है? वो आज का न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा था, एक काम करो वो ला के दे दो। पेपर तो भैया पढ़ रहे हैं, आप उन्हीं के साथ पढ़ लीजिए। हाँ? मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरा टॉवल लेकर आओ। ए, सुनिए, तौलिया तो बाथरूम में रख दिया है, और कुछ? ठीक है। सुनिए, अब क्या है? पापा को आपसे कोई जरूरी काम था, आप उनसे बात कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, राइट? आओ बेटा, बैठो। टिशू। आ रहा हो? बेटा, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम अमेरिका की बजाय यही इंडिया में काम क्यों नहीं करते? पापा, वो इंडिया में मुझे वो रिस्पांस नहीं मिलेगा जो इंडिया में। कारें नहीं बनती, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आरव भैया, दरअसल जितनी भी कार्स मैंने डिजाइन की हैं वो सब इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखकर की हैं, और वो कार्स इंडियन रोड्स पर नहीं चल पाएंगी। और वैसे भी पापा, अमेरिका में मेरी पहचान बन रही है, उसे मैं खोना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन इस बार जाएगा तो काजल को अपने साथ। ओ, याद आया, टिकट बुक करनी पापा, और मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। काजल बेटा, तुमने इसका पासपोर्ट देखा है क्या? नहीं पापा, इन्होंने कहीं रख दिया होगा। मैंने तो सूटकेस में रखा था, अब वहां नहीं है। बेटे, जाके इसका पासपोर्ट ढूंढ के दे दो इसे, जाओ। जी पापा। नीचे तो आप कह रहे थे कि पासपोर्ट सूटकेस में है ही नहीं, ये क्या है? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? हम देख रहे हैं कि आज आप बड़े रोमांटिक मूड में हैं। जहां तक मुझे याद है, कल रात तो आप मुझसे तलाक लेने वाले थे, और आज सुबह होते ही पति की तरह ऑर्डर देने लगे, चाय लेकर आओ, पेपर लेकर आओ, तौलिया लेकर आओ, मेरे कमरे में आओ। तो लीजिए पति देव साहब, हम तो आ गए आपके पास, अब आप ही बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अपने हाथों से आपको चाय पिलाएं, पेपर पढ़कर सुनाएं, या फिर आपको बाथरूम में ले जाकर नहलाएं। वही करते हैं, चलिए चलिए, कुर्ता उतारिए। देखो, अब ये सब करके
अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हें पेपर साइन करने को कहा था ना, क्यों नहीं किया तुमने? तो अब मेरे साथ तुम्हारा वक्त बर्बाद होने लगा? और पिछले 3 साल का क्या? हाँ, जब रात और दिन मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। अगर तुम्हें मुझे तलाक देना ही था तो शादी की उस रात क्यों नहीं दिया? क्यों बर्बाद किए मेरे 3 साल? आज मैं तुमसे हिसाब मांगती हूँ आरव, बोलो दे सकोगे? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है काजल, तुम पेपर्स पे साइन कर दो, दैट्स इट। जितना वक्त एक रिश्ते को बनाने में लगता है उतना ही उसे तोड़ने में भी लगता है ना आरव। इतनी आसानी से तो मैं उन पेपर्स पे साइन करूंगी नहीं, मुझे भी अपने वकील को दिखाना है। वकील को क्या दिखाओगी तुम? हाँ, क्या दिखेगा वो? अरे मुझे क्या मालूम तुमने उन पेपर्स पे क्या लिख दिया है, वकील को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। अब मुझसे ज्यादा भरोसा तुम्हें वकील पे होने लगा है? भरोसे की तो बात ही मत करो आरव, भरोसा तो सिर्फ तुम पे ही किया था ना मैंने, ना सिर्फ मैंने, मेरी दादी ने भी। इस रिश्ते को तोड़कर तुमने हम सबका भरोसा तोड़ दिया आरव। बोलो कैसे भरोसा करूं मैं तुम्हारा? हाँ ठीक है, तुम किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर लो, लेकिन मुझे इतना बता दो तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? वो तो मैं नहीं बता सकती। अगर भरोसे का इंसान ही इतनी मुश्किल से मिलता है तो भरोसे का लॉयर कितनी मुश्किल से मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है अमेरिका में जब आदमी तलाक देता है तो वो कंगाल हो जाता है, क्या मैंने सही सुना? दिस इज नॉट अमेरिका, दिस इज इंडिया, और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। कितनी सही बात बोली तुमने, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ बीवी तलाक देती ही नहीं है। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सोचूंगी। पानी लाओ काका, आपको दिखाई देता क्या? हाथ में दीजिए ना, जल्दी दीजिए काका। आप सच में अंधे हो गए? हाथ पे डालिए पानी, हाथ पे। क्या कर रहे हैं, जल्दी कीजिए काका, टावल दीजिए, टावल का टावल दीजिए। ये बाथरूम से शोर कैसा? जब दो लोग बाथरूम में होते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम्हारा मतलब काजल और आरव? अब आएगा मजा। अरे ये क्या कर रहे हो? पानी आ गया। तो ये शरारत तुमने किया ना? नहीं नहीं, दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द कितना मीठा है ना जी। प्यार का दर्द मीठा ही होता है। अरे बाप रे, ये आवाज लगता है गिर गए। होता है बाबा, ऐसा ही होता है। चाची चाची, मैं भी तुम्हारे साथ नाऊंगा। चुप चुप। सीखो सीखो कुछ अपने भाई से। लेकिन बाथरूम में कैसे? लिपट कर, चिपक कर, भीग कर। हाय बेबी, एना हियर।
हाय आरा। हाय आरव, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा फोन मत उठाना, मैं ट्राई कर रहा था तुम्हें। देखा, इसे कहते हैं टेलीपैथी। तुम्हें मेरी याद आई और मुझे तुम्हारी। चाहे हम एक दूसरे से कितने भी दूर हो, पर हमारे मन जुड़े हैं। अच्छा बताओ, हाउ इज योर डैड? ही इज मच बेटर नाउ। तो अब वापस आ जाओ ना, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, एक प्रॉपर्टी का लिटिगेशन आ गया है और उसे निपटाए बिना मैं वापस नहीं आ सकता। पार्टी से पेपर साइन करवाने हैं और वैसे भी मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम्हारे पास लौटूं। ओके बेबी, आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। शमी क्या हाल है? Hey guys, hi. अबे यार, अबे तू इंडिया आया, तूने बताया तक नहीं? हा? अरे कोई प्लान नहीं था, अचानक आना पड़ा। भाभी की अचानक याद आ गई थी क्या? अरे मेरी बात छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है? अरे हमारे साथ क्या होगा यार, इश्क और रोमांस के दिन तो चले गए। अरे बीवियों के साथ शादी करके गुलामी कर रहे हैं। कुछ करते हैं, एक गेम खेलते हैं। जो भी बोलो वही खेलते हैं। चलो कौन सी गेम? वर्ड पावर। वर्ड पावर, वो क्या होता है? अच्छा बताती हूँ। देखो, हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक शब्द होता है और उसकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे कि खुशी हिंदी में और हैप्पीनेस इंग्लिश में। राइट। तो मैं आपको एक इंग्लिश में वर्ड दूंगी, आपको मुझे उसका हिंदी में अनुवाद करके बताना पड़ेगा। वो सब ठीक है जी, लेकिन जो जीत जाएगा उसको क्या मिलेगा? जो भी वो चाहे। वेरी गुड। चलो सबसे पहले कौन शुरू करेगा? मैं हाँ चलो ओके। मुझे बताओ कि बटन को हिंदी में क्या कहते हैं? बटन को मैं बताता हूँ जी, बटन को कहते हैं जी अस्त व्यस्त वस्त्र नियंत्रक गोटिका। जब आपके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए जिस गोटिका का इस्तेमाल होता है उसे बटन कहते हैं। एक मिनट, खाली माइंड ब्लोइंग से बात नहीं बनेगी। मेरा इनाम जो भी तुम चाहो। हाय कुर्बान जावा, तो फिर मुझे एक पंजाबी पप्पी दे दो। एक मिनट, अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो मुझे क्या दोगी? तुम जो भी मांगोगे। ओए यस, तुम सबके सामने प्रॉमिस कर रही हो। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो? तुम सवाल तो पूछो। डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लो, वेरी सिंपल, तलाक। यस यस, जीत गया, शाबाश मैन। नहीं आरव, तुम हार गए। क्योंकि तलाक उर्दू का लफ्ज है, हिंदी का शब्द नहीं। तुम जितना भी सोचोगे ना आरव, तुम्हें डिवोर्स का शब्द हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में डिवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो शब्द कैसे हो सकता है? तुम हार गए आरव। काजल जीत गई है। आज सही मौका है आरव से कुछ मांगने का। मांग ना। क्या मांगू? मांग ना, जो तुझे चाहिए मांग। क्या ना कर लो बात। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ, आरव से तुम एक पापी मांग लो। भैये ये सजा है कि मजा है? चोरी चोरी लड़ी अखियां, च
चोरी चोरी लड़ी अखियां, साजड़ से चोरी चोरी लड़ी अखियां, साजड़ से चोरी चोरी लड़ी अखियां। जल गई देखो मेरी सारी सखियां रे, चोरी चोरी लड़ी अखियां, साजड़ से चोरी चोरी। कैसे कहां लड़ी अखियां साजन से, कैसे कहां लड़ी अखियां। हाँ मानू न मानू मैं तो तेरी बतियां रे, चोरी चोरी लड़ी अखियां साजन से, चोरी चोरी लड़ी लगाए घटिया साजन से, काहे को लगाए घटिया। कैसे कहां लड़ी अखियां साजन से, कैसे कहां लड़ी अखियां। मानू न मानू मैं तो तेरी बतिया रे, चोरी चोरी लड़ी अखियां चोरी 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 चोर
के आ रही हो? ये लो, कुछ बिना बताई चली गई। अरे कमाल है, काजल भी क्या आ गई, तुम भी क्या आ गए, कहाँ से भी क्या रहे हो? हाँ हाँ, अरे कमाल है, ये भी बिना कुछ बताई चला गया। आखिर चक्कर क्या है इनका, कभी बाथरूम में भीगते हैं, कभी बाहर जाकर भीगते हैं। सीखो सीखो, तुम भी अपने भाई से कुछ सीखो। क्यों, भीगने से कुछ होता है क्या? ये लो, ये भी मुझे ही तुम्हें बताना पड़ेगा। कमाल, ये भी बिना बताई चली गई। लगता है मुझे कुछ करना होगा। कुछ काम था भैया? कुछ खास बात नहीं, तू अपना काम करना, मैं बाद में पूछ लूंगा। क्या पूछना है भैया? Nothing important, बस you ही, you know. Okay. Okay. No, no, नहीं नहीं नहीं, बात पूछनी तो है। तो पूछे ना भैया। पूछूं? Okay. ये फेंकने का क्या चक्कर है? पापा क्या हुआ? रुक क्यों गए? पूछिए। बाद में पूछ लूंगा पापा। बाद में क्यों, अभी पूछ ले, थोड़ी मेरी जानकारी भी बढ़ जाएगी। जी हाँ पापा, ये कुछ भीगने के चक्कर के बारे में पूछ रहे थे ना, तो पूछे ना भैया। भीगने का चक्कर? हाँ भीगने का चक्कर। देखिए ना पापा, आरव ने जो कार डिजाइन की है, इस पर छत नहीं है, अब अगर बारिश होगी तो अंदर बैठने वाले भीग नहीं जाएंगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, बारिश में तो इस गाड़ी में पानी भर जाएगा। पापा ये एक रोमांटिक कार है, टू सीटर, ओनली फॉर कपल्स, ड्राइव के साथ साथ भीगने का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन भीग कर करते क्या है, मेरा मतलब ठंड नहीं लगती? बेटा पास में लड़की हो तो ठंड नहीं लगती। काजल मुझे लगता है अब की बारिश जरूर कुछ करके जाएगी, इसका असर मुझे आरोप पे साफ नजर आ रहा है। नहीं भाभी, ये बरसात सब पे अपना असर दिखा रही है, सिर्फ आरव पे इसका कोई असर नहीं हो रहा। यही बरसात एक दिन हमें एक दूसरे के करीब लाई थी, मगर डरती हूँ अब की बरसात हमें दूर ना करते। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, वो कहते हैं ना अगर सच्चे दिल से पूजा करो तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर आरव तो मेरा प्यार ही नहीं, मेरा सुहाग भी है। इस लड़की से तलाक पाने का मुझे एक ही रास्ता नजर आता है। वो क्या? अदालत में मैं दो चार गवाह खड़े कर दूंगा। और पर किस लिए? देखिए आप अमेरिका में पिछले 3 सालों से हैं, इस दौरान इस लड़की के दिल्ली के 2 नौजवानों के साथ नाजायज ताल्लुक। वकील साहब देखिए, मैं उसकी जिंदगी का मजाक नहीं बनाना चाहता। अगर ऐसा है तो आप दोनों आपसी समझौते से अलग हो जाइए, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ हाँ भाई मुझे याद है, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। मेरी मिसेस का फोन था, आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है। ठीक है तो फिर आप वो पेपर साइन करवा लीजिए, बाकी की फॉर्मेलिटीज में हैंडल कर लूंगा। चाची तुम्हें प्यास नहीं लगी? तुम्हें भूख नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। मैं तो भूखा नहीं रह सकता। <परमाश। laughs> काजल। जी माँ। अरे दिल्ली गया है, उसे आने में देर होगी, तुम सुबह से निर्जला उपवास रखी हो, जाओ पूजा करके कुछ खा लो। नहीं माँ, मैं उनका इंतजार कर लूंगी। काजल इतने साल जब आरव यहाँ नहीं था तभी तो तुम उसकी तस्वीर देखकर ही अपना व्रत खोला करती थी ना। लेकिन भाभी तब बात अलग थी, आज वो यहाँ है मेरे पास मेरे साथ, वो जल्दी आते होंगे। छोटे पापा आ गए, छोटे पापा आ गए।
कहा था इतनी देर? बहू कब से तेरा इंतजार कर रही है, जरा भी फिक्र नहीं है उसकी? अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था तुझे जो आज करवा चौथ के दिन भी तुझे दिल्ली जाना पड़ा? कल भी तो जा सकता था, इतनी लापरवाही। जा जल्दी जा बहू के पास। What the hell, काजल? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, तो फिर ये नाटक क्यों? ये नाटक नहीं आरफ, ये तो हमारे रीति रिवाज है। मैं तुम्हारे रीति रिवाजों को नहीं मानता। तुम तो बहुत कुछ नहीं मानते ना आरफ, लेकिन मैं तो मानती हूँ। और वैसे भी मैंने ये व्रत तुम्हारी लंबी उम्र और तुम्हारी खुशी के लिए रखा है। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो इन पेपर्स पे साइन कर दो। कम ऑन। मुझ में क्या कमी है आरफ? खानदान की सात पुश्तों में कभी इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया, और तुम काजल को तलाक देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे ये रिश्ता पहले भी मंजूर नहीं था, आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी काजल से करवाई। आरव बेटा, अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया तो ये परिवार बिखर जाएगा। माँ, काजल मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है, मैं उसे प्यार नहीं करता। आज तुम काजल से प्यार नहीं करते, कल हमसे मत करना, छोड़ देना हम सबको। पापा, आप लोग मेरी वजह से इन पर नाराज मत होइए। हम दोनों ने इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला मिलकर किया है। लेकिन क्यों बेटी? क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसे राह पे चला गया है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। और वैसे भी आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो मेरे लिए एक ऐसे इंसान के साथ रहना नामुमकिन है जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। फैसला जबरदस्ती अपने बच्चों पर नहीं लादना चाहिए। हमारी एक भूल इन हालात की जिम्मेदार है। बेटी, हमें माफ कर दो, हमारी जिद की वजह से आज तेरी जिंदगी खराब हो गई। पापा प्लीज, आपने तो ये सब सिर्फ मेरी अच्छाई के लिए किया है, शायद किस्मत को ही मंजूर नहीं। बच्ची मेरी।
जा रही हो वापस आओगी मुझसे मिलने भी नहीं वकील साहब नहीं वो सर एक इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग के लिए इलाहाबाद गए हैं ओके साइन पेपर्स हैं उन्हें कह देना कि जल्द से जल्द ऑर्डर पास करवा दें जी ठीक है थैंक यू या हाय बेब्स हाउ यू बीन हाय जॉन आई एम मिसिंग यू सो मच आई मिस यू टू हनी आरव तुम कब आ रहे हो इतने दिन हो गए और तुम्हारा वो काम पेपर साइन हुए हाँ पेपर साइन हो गए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बस दिवाली के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ अभी दिवाली हमारे बीच में कहाँ से आ गई ये मेरी आखिरी दिवाली इंडिया में इसके बाद हर दिवाली मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा ठीक है लेकिन उसके बाद तुम सीधे मेरे पास वापस आओगे ओके ओके आई प्रॉमिस आई लव यू टू बेब यू टेक केयर बाय मम्मी जी पापा जी चलिए ना कुछ दिए जलाकर लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं जब दिल बुझा हुआ हो दिए जलाने से क्या फायदा क्या सोचा था और क्या हो गया सोचा था इस दिवाली पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे पर अब तो लगता है कि इस घर की चौखट से लक्ष्मी रूठ गई है नहीं पापा काजल बेटिया इस घर से लक्ष्मी कभी नहीं रूठ सकती काजल भाभी मम्मी कैसी हो बेटी बहुत अच्छी आप बस ठीक हो खुश रहो बेटी खुश रहो काजल भैया कैसी हो चिंटू तो बोला है खुश रहो चल पदमा आज दिवाली की रात है अंधेरा तो हो नहीं सकता चलो भाभी दिए जलाएं चलो लो बहू काजल बेटा जी पापा तो इस घर से जरूर गई है लेकिन हमारे दिलों से नहीं हाँ बेटी आज से तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो काजल आज बहुत दिनों बाद इस घर में मुस्कुराहट देखी
थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली। क्या करना है जी? हो जाएगा, थैंक यू, कल आ जाएगा। काजल समझने की कोशिश करो, देखो हमने केस फॉरवर्ड कर दिया है जी। अब फॉर्मेलिटीज में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। सर मेरे लिए लोन जल्द से जल्द पास हो जाना बहुत जरूरी है। मैं वादा तो नहीं करता, कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सर। काजल आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं बस का इंतजार कर लूंगी। प्लीज काजल आओ बैठो। काजल एक दोस्त की हैसियत से मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब और क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी नाराजगी जाहिर है, लेकिन काजल हालात ही कुछ ऐसे थे कि अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें दुख पहुंचा कि मैंने अच्छा नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सड़क के दोनों किनारे जो दूर से दिखते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हैं, पर सफर खत्म होने के बाद भी उनकी दूरी खत्म नहीं होती। इस तरह अगर हमने जिंदगी जी होती तो क्या अच्छा होता? काजल क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर फिर से अपना घर बसा लो? एक रिश्ता टूट जाने से सारी दुनिया नहीं खत्म हो जाती। और उसका क्या आरव जिसकी पूरी दुनिया ही एक रिश्ता हो? गाड़ी रोक दीजिए, मैं ही उधर जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा और दादी से बातें भी तो करनी है। पता नहीं उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगा। अरसा हो गया उनसे मिले। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं। ये कब हुआ? तुम्हारे जाने के 6 महीने बाद। दादी हमारे बीच में नहीं रही और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। दादी ने मना किया था आरव, वो जानती थी तुम्हें जैसे ही पता चलेगा तुम वापस आ जाओगे, और वो तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। और मैं आसमान की ऊंचाई को छूने में इतना खो गया था कि अपनी जड़ों को भूल के जो मेरा वजूद है, दादी मेरे सारे सपने अपनी आंखों से पूरा होता देखना चाहती थी, और जब वो दिन आया उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तुमने तो मुझसे बातें करके अपना दिल हल्का कर लिया आरव, लेकिन कभी मेरे बारे में सोचा है मुझ पर क्या बीती होगी? मेरे पास तो कोई भी नहीं था जिसके कंधे पे मैं अपना सर रख रो भी सकूं। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, बिल्कुल अकेली। आरव, कुछ काम था मुझसे? हाँ भाभी, वो ये $10,000 का चेक है, आप इसे काजल को दे दीजिए, उसे जरूरत है। मैं क्यों दूँ? तुम देना चाहते हो उसे, खुद दे दो। $10,000 यानी कि तकरीबन 4.5 लाख रुपए। सच बताओ तुम्हारी पहली कमाई है? नहीं काजल, ये नहीं चाहिए। देखो काजल,
एक दोस्त के नाते प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें इसकी जरूरत है और आगे जब भी जरूरत पड़ेगी ना मैं भेजता रहूंगा, लेकिन इसे तुम रख लो। अच्छा रख लूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। आओ। दीदी हाँ, इसमें से कौन सी पैक करनी है? इसे कैंसिल कर दो और ये पैक करवा दो। एक सेकंड। थैंक्स दीदी, आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय मिस्टर वॉकर, हाउ आर यू? Yes, your consignment is already on its way. It should reach you day after. Oh, the new orders. I'll check my email and get back to you. Thank you, sir. Okay. तुमने इतनी fluent English कब सीखी? तुम्हारे जाने के बाद सीखना पड़ा। तुमसे कदम से कदम मिला के जो चलना था। तुम ये नौकरी करती हो? नहीं, ये मेरी partnership concern है। ANK Exports. तुम्हारा कोई partner भी? हाँ, एक स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद ही जस्ट डजंट स्लीप विद मी। काजू, तुमने ये सब किया कब? कितने सालों के बाद इस नाम से पुकारा है तुमने? सॉरी, जस्ट तुम्हारे जाने के बाद अकेली बैठे क्या करती? तो कुछ लड़कियों और औरतों को इकट्ठा किया और भगवान का नाम लेकर फैक्ट्री डाल दी। बिजनेस अच्छा चलने लगा तो फिर मैंने बैंक में एक लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन दादी ने मना कर दिया और उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए। दादी के पास इतने पैसे कहाँ से हैं? ये वो फिक्स डिपॉजिट है जो दादी ने पोस्ट ऑफिस में रखा था, 50,000 रुपए, तुम्हारे और मेरे नाम, इसलिए तो ANK Exports, आरफ एंड काजल। हमारे पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 57 लाख रुपए और उसके हिसाब से तुम्हारा बनता है 28.5 लाख। तुम्हें रुपये में चाहिए डॉलर्स में? पर उस दिन तो तुम बैंक से लोन मांगने गई थी। वो एक्चुअली यूरोप का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला है मुझे, जिसके लिए मुझे 1.5 करोड़ रुपए। दीदी जरा यहाँ आना। हाँ एक मिनट, मैं भी।